दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे पॉन्डिचेरी T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा टाइटन्स वर्सेस वॉरियर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो यार उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में साई का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे रहेगा, लास्ट रन में 6 रन पे ही आउट हो गए, उससे पहले 7 रन करे, फिर 11 रन करे, 0 रन करे और 23 रन इन्होंने करे। दोस्तों अभी तक इनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन इनको पहले ओपन करा रही थी टीम, लेकिन अब नीचे बैटिंग करने भेज दिया तो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है इनकी। लेकिन अगर ये ओपन करते इस मैच में तो आपके लिए एक मस्त पिक होने वाले हैं। इनके अलावा शिवा मुर्गन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट में 25 रन करे, उससे पहले 32 रन करे, फिर 4 रन करे, 2 रन करे, 1 रन करे। फिलहाल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बाकी तो कोई और खास ऑप्शन है नहीं, यहाँ से सेमी का जरूर एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जो कि ओपन करेंगे, लास्ट में 15 रन करे, उससे पहले 18 रन करे, फिर 0 रन करे, 1 रन करे, 71 रन करे। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है अभी। फिलहाल मैं शिवा मुर्गन को अपनी टीम में रख रहा हूँ, अभी मैं साई सत्विक को नहीं रख रहा। क्यों? देखो एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, और ये बैटिंग अगर नीचे कर रहे हैं ना तो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते, ओपन करते तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। अगर इस मैच में कुछ अपडेट होता है, अगर ये ओपन करते तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, फिर हम इनको रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ और शिवा को लेके चल रहा हूँ। बैटिंग में दोस्तों यहाँ पे AK का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 13 रन करे, उससे पहले 28 रन करे, फिर 9 रन करे, 14 रन करे, लास्ट 4 मैचेस में 2 विकेट भी इन्होंने निकाले। दोस्तों ये बॉलिंग भी करवाते हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोगेश के बारे में बात करें दोस्तों, नंबर 4 बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 14 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 16 रन करे, फिर 19 रन इन्होंने करे थे, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, आप इनको लेके चल सकते हो। बी प्रभु के बारे में बात करें दोस्तों, ओपन करेंगे, लास्ट रन में जल्दी आउट हो गए 6 रन पे, उससे पहले 18 रन करे, फिर 6 रन इन्होंने करे, 4 रन करे, 7 रन करे, ओपन तो करेंगे लेकिन यार फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बाकी अरुण राज काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे, भुवन राज अगर बात करें इस मैच में ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट मैच में 10 रन इन्होंने करे, उससे पहले 18 रन इन्होंने करे, फिर 0 रन करे और 1 रन करे। मैं क्या तो भुवन को अपनी टीम में रखूंगा दोस्तों, या साई सत्विक को। अब वॉरियर्स की टीम से कौन ओपन करेगा वो टॉस के बाद ही पता चलेगा, तो इसलिए मैं अभी दोनों को नहीं रख रहा, लेकिन जो भी ओपन करेगा मैं उसको ज़रूर लेके चलने वाला हूँ, तो वो अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा। श्रीनिवास का ऑप्शन होने वाला है, कोई खास ऑप्शन नहीं है। डीबाला का ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, आप दो बैट्समैन रखिए फिलहाल तो। बाकी ऑलराउंडर में आपके पास एस राजाराम एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप अपनी टीम में फिलहाल लेके चल सकते हो। नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं, बैटिंग से मैं ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं एक तरीके से, ये समझिए मेन चीज़ बॉलिंग की रहती है। लास्ट 5 मैचेस में 9 विकेट इन्होंने निकाला है।
जे मणिकंदन के बारे में बात करें, नंबर चार पे बैटिंग प्लस बॉलिंग करते, लास्ट में 28 रन करे, उससे पहले 0 रन करे, 19 करे, 7 रन करे, रीसेंट के 3 मैचेस में 5 विकेट भी निकाले, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे इसलिए इनको आप रख सकते हो, राजाराम को भी रख लीजिए। सुधाकर के बारे में बात करें, नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट मिनट में 12 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 1 रन करे, फिर 13 रन करे, 0 रन करे, 3 रन करे, लास्ट मिनट में बॉलिंग नहीं करवाई, उससे पहले 4 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए 3 विकेट निकाले, मे बी इस मैच में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, इसलिए मैं इनको अभी अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, आप भी मुझे लगता है इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं दोस्तों। बाकी इनके अलावा दीपक का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, कई बार नीचे भी आ रहे बैटिंग करने, रीसेंट में 2 रन करे, उससे पहले 12 रन, 0 रन, 12 रन, 1 रन, तो फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं और बॉलिंग ये करवा नहीं रही, इसलिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। जैकब के बारे में बात करें, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, देखो बैटिंग ऑर्डर तो काफ़ी नीचे रहेगा, बॉलिंग से ओवर कट जाते हैं, फिलहाल मैं 3 ऑलराउंडर लेके चल रहा हूँ। वहीं बॉलिंग के बारे में बात करें, मिश्रा एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं जिनको आप लेके चल सकते हो, लास्ट मिनट में 1 विकेट निकाला, रीसेंट के 5 मैचेस में 2 विकेट निकाले, लेकिन स्पिनर है तो विकेट निकाल के दे सकते हैं। एम पांडे अगर पहले टीम बॉलिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले, ओवर वगैरह कटने के चांस रहते, रीसेंट में लास्ट मैच में तो करवाए नहीं थे, इस मैच में करवा सकते हैं, और पहले अगर टीम बॉलिंग करती है ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। टी सिंह के बारे में बात करें, ओपन में आपको बॉलिंग करवाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, किस टाइप का रहेगा, इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, तो वो भी अपडेट कर देता हूँ। लास्ट मैच के बारे में भी बात करूँ दोस्तों, शानदार 3 विकेट निकाले, ओपन में बॉलिंग करवाएंगे, और वॉरियर्स के तो ओपनर वैसे भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके अलावा वी गुप्ता का ऑप्शन होने वाला है, ओवर वगैरह कटने के चांस रहने वाले हैं, पहले बैटिंग करती है टीम तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। योगा राजन जरूर एक अच्छे ऑप्शन है, लास्ट मिनट में जरूर विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन रीसेंट के 5 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने निकाले। फिलहाल यहाँ से मिश्रा आपके पास अच्छे ऑप्शन है, टी सिंह को आपको रखना है, और योगा राजन भी एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, ए प्रधान पहले बॉलिंग में आप रखोगे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला, रीसेंट के 5 मैचेस में अभी तक 1 विकेट निकाले। शरण मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करवा लेते हैं दोस्तों। रीसेंट के बारे में बात करें, लास्ट रन में जरूर कोई विकेट नहीं निकाला, महंगे भी साबित हुए, रीसेंट के 5 मैचेस में 2 विकेट अभी तक निकाले। इनके अलावा ए सुरेश मौर्य का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। आदित्य मौर्य लास्ट मिनट में विकेट नहीं निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में 1 विकेट इन्होंने अभी तक निकाला है। इनके अलावा टी कुमार का ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, पहले बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट में 1 विकेट निकाला, रीसेंट के 3 मैचेस में 1 विकेट निकाले। फिलहाल मैं जिनको अपनी टीम में रखना चाहूँगा दोस्तों, एक शरण एक अच्छे ऑप्शन है जिनको आप रख सकते हो, और यहाँ से प्रधान को कैप्टन और वाइस कैप्टन। देखिए राजाराम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राजाराम और मणिकंदन एक अच्छे ऑप्शन होने वाले। इनके अलावा टी सिंह को लोग कर तो रहे कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा योगा राजन के साथ आप जाइए दोस्तों। बाकी कैप्टन मेरे मणिकंदन नहीं है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे, बाकी वाइस कैप्टन मेरे राजाराम। फिलहाल ही हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो यार तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।